गाइस, वेलकम बैक टू मॉर्निंग दोस्तों, अनदर ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है पूनम पुजारी ब्लॉग्स में। क्या सर, हाँ सुबह सुबह आज सुबह ना बच्चों ने इतना शोर डाला था जुड़े इन सब की मेरी नींद। तो गाइस, हम रात को 3 बजे सोए और सुबह सुबह पता नहीं नीचे कौन इतना झूला झूल रहा था ना, उन्होंने नींद ली। रात को 3 बजे सोए थे, सोचा था कि सुबह 10 बजे तक तो उठ ही जाएंगे। 11 बजे मेरी नींद हो गई थी पूरी ना। ये ना घर में रहते आजकल, तब ये घर में रहने वाले प्राणी 6-6 बजे उठ जाते हैं। आप धनी तो इससे तो गाइज, पिछले कल आपको मैंने थोड़ा सा दशहरा दिखाया था, थोड़ा थोड़ा, पर आज मैं आपको पूरा दशहरा दिखाऊंगी। आज हम तैयार होके अच्छे से जाएंगे और सबसे पहले हम ब्रह्मा और बाबा भीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, जो कि मेरे ननिहाल के देवता है। और उसके बाद कुछ सामान अभी बाकी रह गया लेने को, वो भी ले लेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल उठे हैं, इसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे, जो जो होता जाएगा आपको दिखाते हैं। गाइस, सो चुकी हूँ मैं नहा धो के फ्रेश, और अभी बाहर धूप में बाल सुखा रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर में ही हम तैयार होंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम डालपुर मेला देखने, और हमें सामान भी लेना है कुछ, तो शॉपिंग वगैरह जो भी है वो भी कर लेंगे और देवता के दर्शन करने भी जाएंगे, मेरे ननिहाल के देवता। यहाँ से भी दिखा दे कुल्लू का नजारा यार। हाँ, आपको यहाँ से कुल्लू का व्यू दिखाती हूँ मैं, जरा कैसा है कुल्लू। और जो इनका रूम है ये है सबसे टॉप में, और यहाँ से पूरा कुल्लू का व्यू ना बहुत अच्छा दिखता है। वहाँ पे है डालपुर, वहाँ जाके परे जाके जाना। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होने के बाद, फिलहाल अभी नहाना धोना ही है। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और सिर्फ अनुदी बचते हैं क्योंकि वो सबसे लास्ट में नहा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में वही बचते रेडी होने के लिए, और बाकी हम सब रेडी हो चुके हैं। तो टाइम की बात करूँ तो 3 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे ढालपुर और आपको मेला दिखाएंगे प्रॉपरली, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फिलहाल अब इनका वेट करते हैं, ये भी रेडी हो रहे हैं, तो मिलेंगे थोड़ी देर में। देख सकते हैं आप, हम सब रेडी हो चुके हैं और तो अभी निकल रहे हैं हम ढालपुर की ओर, और आपको दिखाएंगे पूरा पूरा दशहरा, आज बने रहिएगा ब्लॉग में। तो शब्बू शॉप गई है, वो शॉप में ही वेट कर रही है हमारा, तो हम भी हैं यहाँ से जाने वाले बस। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस, हम फंस गए हैं यहाँ पे, हम तो आगे नहीं जा सकते, हम लोग बहुत भीड़ में फंस गए थे, पता है डर लग रहा था। चुके हैं फ्री सामान खरीद के और सब इकट्ठा मिल के, हम चलो उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे देवता के, है ना। हाँ, चलेंगे ना आप भी? बिल्कुल चलो, तो फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं मेरे ननिहाल के देवता आदि ब्रह्मा जी और बाबा भीनाथ जी। ओके चलो। ये ब्रह्मा जी के वहाँ आए हुए अभी ना कि है दिन है। मेरे
मामा जी से यहाँ पे। कैसे हो आप मामा जी? मामा जी हर जगह बोटी बने होते हैं। बढ़िया, दर्शन कर लिए हमने ब्रह्मा जी के भी और बाबा भीरनाथ जी के भी, तो इसके बाद हम देखेंगे आगे कहाँ जाना है ना। तो इनसे मिले, ये सुनीता है हमारी दोस्त जो अभी आई है। आपने पहले भी देखा होगा? हाँ पहले भी देखा होगा आपने इनको ब्लॉग्स में। अब कहाँ जाना है? अभी देखते हैं, अभी घूमते हैं थोड़ी देर, अगर कुछ दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे। बने रहिएगा ब्लॉग में, सुनीता बाद में ना जाएंगे। और इस अभी जा रहे हैं सब पेट पूजा करने। क्या खाएंगे पूजा? बर्गर बस, तभी बर्गर खा के बर्गर की तरह होती जा रही है। कुल्लू दशहरे में कितने सुंदर से भी आए होते हैं खाना खाने, खाना खाने, बर्गर खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। जहाँ भी हम जा रहे वहीं पे ऐसी भी है अपने वहीं पे, तो हम आए कुबेर, तो हम बाहर ही खाएंगे आज सड़क में। सड़क में खाएंगे, सड़क में खाने का मजा कुछ और है। हर चीज ट्राई करनी चाहिए। मैं थक गई खा रहे हैं ना, पता है क्या यहाँ पे ना सीट ही नहीं है और हम लोग यहाँ खड़े हैं। खड़े खड़े खड़ा पड़ रहा है इनको। हम जा रहे हैं झूला झूला है, कुछ नहीं होता जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी जा रही है ये टेडी ढोल में बैठने के लिए और जबरदस्त बिठा रहे इन लोगों को। ये लोग जा रहे हैं टेडी ढोल में बैठने के लिए, इसमें बैठेंगे ये लोग। मुझे मेरी तबीयत खराब होती है ना, इसलिए मैं नहीं बैठूंगी। ठीक है जाओ 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 जाओ। देखिए दोस्तों ये है मेरे दोस्त, इतनी हाइट में बैठे हैं, अभी आएंगे तो देखते रहिए। ये लोग कब से चले गए पर अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है और हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। दोस्त खुद से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, इनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। और ये दिख रहा अभी यार इनकी शक्ल देखते कैसी है। कैसा आया ना, मजा आया। और लोगों को जबरदस्ती उठा। सो गाइस रात के 10:30 बजे यहाँ पे महिला मंडल गप्पे मारते हुए आ चुके हैं हम मेले से और अभी रेस्ट करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा थक गए है ना, इनका रूम बहुत ही ज्यादा ऊपर है और बहुत ज्यादा चलने को है। तो अभी यहाँ देखिए छोटी छोटी चिल्लर पार्टी हमारी, तो अभी हम रेस्ट करने बैठे हैं यहाँ पे। और टाइम की बात करूँ तो 10:30 हो चुके हैं और घूम के इतना ज्यादा थक गए हैं ना हम। क्या ही बोले, हिम्मत नहीं बची दोस्तों, हिम्मत नहीं बची चलने की दीदी। फिर भी चल रही है थोड़ा थोड़ा ही रहा ना, तब तक चल रूम में रेस्ट ही होगा ना। रेस्ट करें, बहुत बहुत इंजॉय किया आज है ना, बहुत बहुत ज्यादा बहुत यादगार रहेगा ये दशहरा तो है ना। इतना मजा तो किसी दशहरे में नहीं आया जितना मजा इस दशहरे में। और पीछे है शब्बू और मोनिका, महिला मंडल लगा के बैठी हुई है। देखिए स्टार नाइट की बात करें तो हमें वो एंट्री नहीं दे रहे थे हर जगह हमारे लिए नो एंट्री किया। हाँ हम बोले थे पुलिस वाले भैया को कि हमें छोड़ दो, हम बस 6 लड़कियां हैं। उन्होंने बोला नो एंट्री, तो हम वापिस आ गए।
है ना, तो हम प्रोग्राम नहीं देख पाए। पुलिस वाले भैया ने हमें छोड़ा ही नहीं क्या यार। पुलिस वाले भैया अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे होंगे ना, तो हम आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। हम आपको शराब देते हैं यार, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, कोई है। हाँ उनकी ड्यूटी है वो, तो यार अब हमारे को एंट्री नहीं मिली इसमें, उनकी भी क्या गलती थी भाई, वो तो अपना काम कर रहे थे। तो मैं उसे रूम में आपको कैसा लगा बताइए ब्लॉग में, कि आपको कुल्लू का दशहरा कैसा लगा? ओ, आपको अच्छा लगा होगा। अब मुझे नहीं पता इसने क्या क्या रिकॉर्ड किया है ना, वो तो बहुत अच्छा लगेगा इनको। वो तो ब्लॉग जब ये अपलोड करेगी तभी लगेगा पता कि क्या क्या डाला इसने अपने ब्लॉग में।